एक कायदा है जिसे हर शख्स तस्लीम करेगा कि एक कानून जो शख्स बनाता है वही शख्स उसे बदल भी सकता है या उससे बालातर शख्सियत, उससे फरोतर शख्सियत को उस कानून के बदलने का कोई हक नहीं होता। इसी बिना पर अगर खुदा ने कोई हुक्म दिया तो खुदा ही उसको बदल सकता है एक नए नबी के भेजने के ज़रिए से या नबी की ज़िंदगी में नए अहकाम भेजने के ज़रिए से। खुदा से कमतर दर्जे की शख्सियत मसलन नबी भी खुदा के अहकाम को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। इसके बरखिलाफ़ अगर खुद नबी ने कोई हुक्म दिया हो अपनी इंसानी हैसियत में, उसके हुक्म को या तो खुद नबी बदलेगा या कोई और नबी बदलेगा या खुदा बदलेगा, लेकिन नबी से फरोतर दर्जे का कोई शख्स मसलन कोई फकीह नहीं बदल सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कोई हुक्म दे तो चपरासी उसे नहीं बदल सकता लेकिन वाइस चांसलर उसे बदल सकता है, वाइस चांसलर को हुक्म दे तो उसे प्रोफेसर भी नहीं बदल सकता। इस लिहाज से इस्लामी कानून के जो अहकाम कुरान और हदीस में हैं उसे कोई और शख्स बदल नहीं सकता, लेकिन एक फकीह की राय को दूसरा फकीह रद्द कर सकता है, अपनी राय पेश कर सकता है। और जैसा मैंने आपसे गुज़िश्ता लेक्चर में बयान किया था कि ये चीज़ इनफरादी क़ियास और राय इस्तिंबात ही से मुतालिक नहीं है, इज्तिमाई राय के मुतालिक भी ये चीज़ हनफी मज़हब में कम अज़ कम कबूल कर ली गई है। नया इजमा पुराने इजमा को मनसूख कर सकता है। फर्ज़ कीजिए कि एक चीज़ पर इजमा पाया जाता है, इजमा के सामने हम सर तस्लीम कम करते हैं, लेकिन उसके माने ये नहीं है कि कोई शख्स यामत तक उसके खिलाफ ज़बान न खोले। कोई शख्स जुरत करके अदब के साथ दलीलों के साथ उसके ख़िलाफ़ राय दे सकता है और फिर इस नई राय को दूसरे फुकहा भी कबूल करके फिर एक नया इजमा हो जाता है, तो ये नया इजमा पुराने इजमा को मनसूख कर देता है। ये चीज़ मशहूर फकही हनफी इमाम अबुल यूसर अल पसदवी ने बयान की है अपनी किताब उसूल फ़िक्र में। पसदवी ये असल में इस इस्लामी क़ानून पर मुताखिर ज़बानों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये चौथी सदी और पाँचवीं सदी हिजरी के दरमियान के फ़कीह गुज़रे हैं और उनके इस बयान की वजह से हम कह सकते हैं कि इजमा भी हमारे लिए मुसीबत का बायस नहीं बन सकता। इजमा अगर किसी नामुनासिब चीज़ पर हो गया हो, हालात के बदलने के बायस हम उस पर अमल न कर सकते हों, तो इसकी गुंजाइश है कि इजमा के बदलने का भी हम सामान पैदा कर लें और क़ियास के ज़रिए से इश्तिहाद के ज़रिए से एक नया इजमा पैदा करके पुराने इजमा को हम बदल सकें।